वी आर गोइंग टू डू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर में अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्वेट इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, ये सारे के बारे में डिटेल्स में हम लोग को बताया गया। वैसे हम लोग को फायदा क्या होगा, क्योंकि तुम लोग कॉमर्स का स्टूडेंट है और तुम लोग का अकाउंटेंसी का जो पेपर है, अकाउंट्स जो हम लोग करेंगे उसमें ये सारे टर्म्स हम लोग को बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और हम लोग जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसके अंदर भी हम लोग को समझने में बहुत आसानी होगा। इसके बाद तुम लोग का रेशियो का भी चैप्टर आने वाला है अकाउंट्स में, तो अगर आप ये सारे टर्म्स को समझेंगे अच्छे से, ये टर्म्स क्या होता है और इससे क्या फायदा होता है, क्यों करते हैं, तो हम लोग का बहुत फायदा होने वाला है। तो ये चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ना है, और इसके ऊपर बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉमर्स स्टूडेंट एंड नॉट ओनली फॉर लाइक योर कॉमर्स एग्जाम, आपके फ्यूचर के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हो सकता है बाद में आप लोग शेयर ट्रेडिंग करें या सब कुछ करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोग के पास रहेगा तो आप इस वीडियो को स्टोर भी करके रखिएगा या जब भी अपने पास रखिएगा, इन फ्यूचर भी ये आपके काम आएगा। हम लोग कोशिश करेंगे इसको जितना इन्फॉर्मेटिव बना सके उतना इन्फॉर्मेटिव बनाने का कोशिश करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, मतलब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पैसा कैसे उठाएगा और उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। नाउ जब हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट 1000 करोड़, है ना, वी आर टॉकिंग ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। हम लोग कोई छोटा मोटा 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग इन लाइक मल्टीपल फिगर्स, यू नो। तो इसी के लिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को फाइनेंस कहाँ से मिलेगा और अगर पब्लिक इसमें इन्वॉल्व होगी तो क्या पब्लिकेशन क्या गलत हो सकता है और गवर्नमेंट कैसे इन्वॉल्व होता है, गवर्नमेंट कैसे रोकेगा पब्लिकेशन गलत होने से, ये सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हो रहा है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रिक्वायर्स टू टाइप्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अब कोई भी कंपनी की तरह ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को भी दो तरह का फाइनेंस चाहिए, एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए, एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए, ठीक है। नाउ लॉन्ग टर्म फाइनेंस हम लोग रेज कर सकते हैं इश्यू ऑफ शेयर से, इश्यू ऑफ डिबेंचर से, रिटेन्ड अर्निंग से। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब जो पैसा हमने रिटेन करके रखा हुआ है, जो हमारा ही पैसा है, जो हमने बांटा नहीं, हमने उसको रखा हुआ है बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। हम लोग कमर्शियल बैंक से लोन लग सकते हैं और हम लोग लोन ले सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। नाउ कमर्शियल बैंक जो होता है वो जनरली हम लोग को बहुत ह्यूज अमाउंट का लोन नहीं दे सकता, ठीक है। वो हम लोग को थोड़ा कम अमाउंट का लोन देता है, जनरली वर्किंग कैपिटल लोन दे सकता है, लेकिन गवर्नमेंट है वो चाहती है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज काम करे देश में, ऑपरेट करे देश में। इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे कि हमारा आईसीआईसीआई है, ठीक है, इसको रखा हुआ है, जिनका मेन काम ही है लोगों को माने ऐसी क्या नाम है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को लोन देना, बड़ा अमाउंट ऑफ लोन देना, क्योंकि देखो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो उनको फाइनेंस करने के लिए भी हम लोग ने स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रखे हुए हैं, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी वो ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट से ले सकते हैं, ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक से ले सकते हैं, ट्रेड क्रेडिट माने जो वो लोग उधार पे माल लेते हैं, ठीक है, कस्टमर से एडवांस ले सकते हैं। ये सब छोटा छोटा पेटी अमाउंट होगा फॉर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, पर ये सारी जगह से उनको पैसा मिलेगा। नाउ इस बात को याद रखना, जब हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बड़े बड़े बिजनेस करती है, छोटे मोटे बिजनेस नहीं करती है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, तो उसको पैसा बहुत बड़ा अमाउंट में भी चाहिएगा, ठीक है। तो फिर से बात कर लेते हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या आ जा रहा है, इश्यू ऑफ शेयर एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? तो लॉन्ग टर्म फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, मोटर व्हीकल एक्सेट्रा। सम अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स इज यूज्ड टू मेंटेन मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। ये सारी चीजों के लिए हम लोग को लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए होता है। जब हम एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात कर रहे हैं तो उनका काम कोई 2 कट्ठे, 4 कट्ठा, 5 कट्ठा में नहीं होता, उनका काम एकड़ में होता है, ठीक है। वो जो बड़ी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मोटर मोटर यूनिट लगा रहा है, मोटर प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल टाटा में सिंगूर में टाटा ने लगाया था, तो उनको पूरा का पूरा गांव चाहिए, ठीक है, उनको पूरा का पूरा एरिया वो चाहिए, छोटा मोटा जमीन नहीं चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी भी उनको काफी मात्रा में चाहिए, पूरी ऑटोमेटेड और पूरी अप टू डेट चाहिए, तो काफी पैसा लगता है। व्हेन वी आर टॉकिंग लाइक 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ का अमाउंट का फाइनेंस चाहिए उनको, ठीक है। ऑब्वियसली इतना बड़ा सेटअप है तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स भी लगेगा उनको, मोटर व्हीकल्स लगेगा उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, ट्रक्स लगेंगे उनको, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसे का जरूरत है उनको। तो सम अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड इज यूज, उनको स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ता है, डेटर्स को भी टाइम पर उनसे पैसा लेना पड़ता है, और हमको वर्किंग कैपिटल के लिए कैश इन हैंड और कैश एट बैंक भी चाहिए, इसी के लिए हमको लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ से आएगा, ठीक है। तो कहाँ से आएगा अगर हम लोग बात कर ले, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इक्विटी शेयर से आप कर सकते हो,
ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स आप कर सकते हो, रिटेन्ड अर्निंग जैसे मैंने बोला अपना खुद का पैसा है यहाँ पर, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक ले सकते हैं और लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ले सकते हैं। इसके अलावा तुम लोग को लगता है कहीं और से पैसा ले सकते हैं? नहीं, पापा से लेने से नहीं होगा, पापा का उतना पैसा नहीं है। ठीक है, पापा तुमको 5 लाख 10 लाख दे देंगे, 5 लाख 10 लाख तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन इट्स अ पीनट फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, कुछ नहीं होगा 5 लाख 10 लाख। ओके, पापा से लेने से नहीं होगा, दोस्तों से मांगने से, दोस्तों 5,000 रुपया देगा उससे जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं चलेगा। ठीक है, उससे सोल प्रोपराइटर फिर भी चल जाए, जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा जानबूझ के जोक मारने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग सब सीरियस हो गया है ना, क्या तो जोक मारते रहना चाहिए बीच में। लेकिन शॉर्ट टर्म फाइनेंस ले सकते हो पापा से, है ना, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी उनका 100 करोड़ होता है, छोटा मोटा नहीं होगा, करोड़ों की बात होती है यहाँ पर। तो आप पब्लिक से ले सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हो, कमर्शियल बैंक से ले सकते हो, ट्रेड क्रेडिट ले सकते हो, कस्टमर से एडवांस ले सकते हो, फैक्टरिंग ले सकते हो, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, ये सब आप ले सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, लेकिन मेजर हमको चाहिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस, हम जॉन स्टॉक कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स कैन बी रेज फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ सोर्स, ए ओन्ड फंड एंड बी बोरोड फंड और लोन कैपिटल। अब ये टर्म आपको आज से पूरा सीखना है और आपको ये टर्म हमेशा अपने माने, अगर आपको आगे जाके अकाउंट्स करना है, आपको जाके अगर कोई भी कॉमर्स कॉमर्स में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको सीए करना है या कुछ भी आपको करना है, आगे जाके सीएफए करना है आपको, ठीक है, तो एक्चुअरीज करना है आपको, तो आपको ये पता रहना चाहिए व्हाट इज ओन्ड फंड एंड व्हाट इज लोन्ड फंड। ठीक है, हम लोग उसको ओन्ड और लोन्ड बोल रहे हैं राइम करने की। ठीक है, ओन्ड का मतलब क्या हुआ बच्चा लोग? तो खुद का मनी, लाइक खुद का कैपिटल या खुद का जो रिजर्व लगाया है एग्जैक्टली पेपर्स। खुद का पैसा। लेकिन तुमको लगता है अगर मुकेश अंबानी भी कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलेगा तो वो अपना ओन फंड से कंपनी खोल सकता है? हाँ, जॉइंट मुकेश अंबानी का छोड़ दो यार, वो थोड़ा सा आउट ऑफ ब्रैकेट ही चला गया, वो कर सकता है, लेकिन हम लोग नॉर्मल बात करें, चलो टॉप 10 को छोड़ देते हैं, उसके बाद इतना ओन फंड नहीं है लोगों के पास रिस्क लेने के लिए। ठीक है, और उसके बाद अगर डूब गया तो सारा पैसा चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ओन फंड अपना पैसा नहीं है, ओन फंड मतलब कंपनी का पैसा। ठीक है, और कंपनी का पैसा मतलब इक्विटी शेयर से उठाया हुआ पैसा। ठीक है, तो अब से जो ओन्ड फंड होगा वो इक्विटी शेयर वाला पैसा है। ठीक है, और बोरोड फंड या कि लोन फंड हो गया माने डिबेंचर्स, ठीक है, या फिर लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक या लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बेसिकली अगर हम उसको बीच में डिवाइड कर ले यहाँ पर, तो हम लोग का बेसिकली इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिटेन अर्निंग को हम जनरली ओन्ड फंड बोल सकते हैं, और 4, 5, 6 डिबेंचर, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक और लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को हम लोन फंड बोल सकते हैं। ऊपर वाला ओन, नीचे वाला लोन। समझ में आ गया बात को? तो ये क्लियर डिस्टिंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है ओन फंड ऑफ फंड्स विच बिलोंग टू द ओनर्स, ऑन द अदर हैंड बोरोड फंड्स बिलोंग टू द क्रेडिटर्स और लैंडर्स। ठीक है, तो जो हमने बाजार से लिया हुआ है उनका जो फंड है वो लोन है। ठीक है, नाउ डिबेंचर्स पब्लिक डिपॉजिट टेक क्रेडिट इंस्टॉलमेंट क्रेडिट लोन्स और कॉन्स्टिट्यूट द बोरोड फंड। तो ये सारे बोरोड फंड्स हो गए। दिस फंड्स आर रीपेबल आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अब जो लोन फंड है उसका दो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? नंबर 1, उस पे हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा उस पे, है कि नहीं? और नंबर 2 क्या करना पड़ेगा, उसको रिफंड भी करना पड़ेगा भाई साहब, बिल्कुल वापस भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे पैसे तो फिक्स टर्म के होते हैं ना, टर्म लोन माने आपको 5 साल बाद देना है तो 5 साल बाद देना है। ठीक है, इससे क्या टेंशन होता है क्या, पैसा वापस देने से टेंशन होगा? सर, लाइक 5 साल बाद देना तो टेंशन हो गई। टेंशन तो होगा ही, है ना, और इंटरेस्ट भी देना है हम लोग को, है ना। लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ये टेंशन भी अच्छे हैं, मतलब दाग अच्छे हैं, तो कभी कभी ये भी अच्छा होता है ना। तो कभी कभी ये भी सिचुएशन आ जाता है कि ओन फंड अच्छा है कि लोन फंड अच्छा है, इसके बारे में भी डिटेल बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है कि क्या हम लोग को अपना पैसा लगा के बिजनेस करना चाहिए कि हमको बाजार से लोन लेकर बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, ये बीएसटी में हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में जो बीएसटी कर रहा है उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि कब अपना पैसा लेना चाहिए, कब बाजार का पैसा लेना चाहिए। ये भी एक तो कैलकुलेशन है, जो अच्छे बिजनेसमैन है वो इसको बैलेंस करके चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे इक्विटी शेयर के बारे में। अच्छा, इक्विटी शेयर ओन फंड है कि लोन फंड है? ओन्ड ओन फंड है। ठीक है, माने हमारा खुद का पैसा। अब इक्विटी शेयर के संग फायदा क्या है, ना किसी को इंटरेस्ट देना है ना, और ना हमको करना ये करना है, रिफंड करना है। लेकिन इसमें तो प्रॉब्लम है, क्या आपको डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा, है कि नहीं, है ना, डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है चलो, लेकिन डिविडेंड तो अपने लोगों को दे रहे हैं, खैर जो बात है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इक्विटी शेयर, इश्यू ऑफ शेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड। शेयर्स आर द ओनरशिप सिक्योरिटीज एंड शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट द
ओनरशिप कैपिटल, ठीक है। तो शेयर्स को हम लोग सिक्योरिटीज बोलते हैं, तुम लोग सुना होगा सिक्योरिटी, और शेयर कैपिटल जो है वो हमारा ओनरशिप कैपिटल है, मतलब हमारा खुद का पैसा, ठीक है। नाउ फंड्स रेज थ्रू शेयर प्रोवाइड अ फाइनेंशियल बेस टू द कंपनी, इसका क्या मतलब हुआ, क्या समझ में आ रहा है इससे, कि जो शेयर होल्डर का फंड है, जो शेयर क्या नाम है, इक्विटी शेयर का जो फंड है, वो हमारा फाइनेंशियल बेस ऑफ द कंपनी कैसे है, बताओ क्लास। सर, क्योंकि वो उसका ओन्ड कैपिटल है इसलिए। करेक्ट। तो अपना पैसा बिजनेस में होना चाहिए, ठीक है। अपना पैसा ना लाइक सीमेंट होता है, फाउंडेशन होता है, अपना पैसा ना डर नहीं है। अगर आप सारा बिजनेस 50 से 100% अगर आप क्रेडिट पे बिजनेस करोगे, ठीक है, अगर आप बाहर से पैसा लेके बिजनेस करोगे तो बहुत टेंशन हो जाएगा आपको, क्योंकि अगर आपका बिजनेस नहीं चला, जो होता है जनरली ना, कोई बिजनेस भी 90% बिजनेस फेल होते हैं, 10% बिजनेस हिट हो जाता है ना, तो 90% बिजनेस अपना फेल होता है। तो अगर आपके पास खुद का पैसा नहीं है और आप अगर बाहर वालों का पैसा लेके बिजनेस कर रहे हो, तो आपको नुकसान, आपको टेंशन, सब कुछ होगा। तो शार्क टैंक देखने में बहुत अच्छा लगता है, पर सोचना वो शार्क है, वो अपना पैसा वापस लेगा, ठीक है। तो अगर सारा पैसा शार्क टैंक से लेकर आएंगे या लोन लेकर आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अपना पैसा बिजनेस का बेस होता है, ये तुम लोग को मैं फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास खुद के कैपिटल होना चाहिए कि आप बहुत दिन तक सर्वाइव करो या हार्ड टाइम को सर्वाइव करो, ठीक है। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स नोन एज शेयर, दस द टर्म शेयर मींस द इंटरेस्ट ऑफ अ शेयर होल्डर इन द कंपनी मेजर्ड बाय द सम ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, अ शेयर इज अ शेयर। ये बहुत ही अच्छा डेफिनेशन मेरे को लगता है, अगर किसी को शेयर के बारे में नहीं पता तो वो ये डेफिनेशन को याद करे, अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। बहुत ही प्यारा डेफिनेशन है और बहुत ही कन्विंसिंग भी है, और बहुत ही ज्यादा इससे आप क्लियरिटी भी आ जाएगा आपको, ठीक है। क्या बोल रहा है, अ शेयर, बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है ये, अ शेयर इज अ शेयर इन अ व्हाट, इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। तो ये डेफिनेशन हमेशा आप याद रखिए, इसको हम लोग भी प्रूव भी करेंगे, शेयर इज अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। नाउ फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ले ले ले, मान लो मेरे को 10,000 रुपीज चाहिए, ठीक है, 10,000 करोड़, ठीक है, लेकिन करोड़ छोड़ दो, 10,000 रुपीज हमको चाहिए, ठीक है। तो कंपनी क्या करता है, कंपनी एक शेयर इशू करता है जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज का होगा, ठीक है, मैंने एक शेयर, ठीक है। अब अगर हम इस 10,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका 1,000 पार्ट हो जाएगा, है ना, माने हम इसका 1,000 शेयर कर देंगे, माने हम इसका 1,000 टुकड़ा कर देंगे, बेसिकली ना पार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम 10,000 को 1,000 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा शेयर कैपिटल कितना चाहिए हमको, 10,000, ठीक है, ये हो गया मेरा शेयर कैपिटल, ठीक है। और एक शेयर का दाम कितना है, ये 10 रुपीज है, इसको हम शेयर बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो हो गया 1,000, क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स, है ना, ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स। तो जब हम बोलते हैं शेयर, शेयर क्या होता है, शेयर शेयर कैपिटल का एक शेयर होता है, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है कि शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल का एक शेयर है हमारा, ठीक है। तो शेयर इज अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, अंडरस्टूड एवरीबॉडी, ठीक यस है। चलो, शेयर रिफर्स टू द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, ठीक है। इट इज वन ऑफ द यूनिट इन टू विच द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैन बी डिवाइडेड। तो हमने शेयर कैपिटल के छोटे 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 टुकड़े कर दिए, और वो जो छोटा टुकड़ा है वो शेयर है, ठीक है। और ये छोटे टुकड़े क्यों करते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनको खरीद सके, ठीक है। अगर हम किसी से बोलेंगे भैया हमको 100 करोड़ रुपया दे दो, तो कोई देगा, नहीं देगा। लेकिन अगर हम उसको बोलेंगे सर मेरा एक शेयर का दाम 10 रुपया है और हमारी कंपनी अच्छा करेगी, आपके पास जितना रुपया है उतना शेयर खरीद लीजिए, तो कोई आदमी तुम्हारा 100 शेयर खरीद लेगा, कोई 1,000 शेयर खरीद लेगा, कोई 10,000 शेयर खरीद लेगा, और ऐसे अगर सारी पॉपुलेशन शेयर खरीदेगी तो हमारा 100 करोड़ रुपया भी कलेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। खाली हमारे ओनर बढ़ जाएंगे, ओनर भी उतने सारे होंगे, जितने ओनर, जितना शेयर होगा उतना ओनर होगा, है कि नहीं। ये एक प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन ओनर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इट इंडिकेट्स द इंटरेस्ट इन द एसेट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी अकॉर्डिंग टू जस्टिस फेवेल, अ शेयर इज द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी। अब ये सब हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। तो अ शेयर इज द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी मेजर्ड बाय सम ऑफ मनी और द पर्पस ऑफ लायबिलिटी ऑफ अ इंटरेस्ट, इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ अ राइट गिवन बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। यहाँ पर तो बता रहा है फॉर द पर्पस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, माने डिविडेंड, माने अगर आप शेयर खरीदते हो और कंपनी अगर प्रॉफिट कमाता है तो कंपनी उस प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करता है और हर शेयर पे हम लोग को डिविडेंड मिलता है,
और शेयर होल्डर्स के पास में कुछ राइट्स भी होते हैं जो हम लोग को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देता है ना। हमारे दो डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ आउटलॉ, वो हम लोग को बताता है कंपनी का बाहर वालों से कैसा रिलेशन होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ इन लॉ, वो बताता है कंपनी का शेयर होल्डर लोग के संग क्या रिलेशन रहने वाला है। ओके तो वो हम लोग को कुछ राइट भी देता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ आते हैं थोड़ा सा काम की बात में। जनरली हमारे पास दो टाइप के शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, ठीक है। चलो, शेयर विच कैरी नो प्रेफरेंस राइट और प्रायोरिटी इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इन द रिपेमेंट ऑफ कैपिटल आर कॉल्ड इक्विटी शेयर और ऑर्डिनरी शेयर। अब यहाँ पे इसको समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप एक ऑर्डिनरी शेयर खरीदते हैं या अगर आप इक्विटी शेयर खरीदते हैं तो आपको कोई प्रेफरेंस राइट नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। इसको अगर ऐसा समझो तो अगर तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता है तो घर के जो लोग हैं उनको सबसे लास्ट में खाना मिलेगा, है ना, और इस बात का गारंटी भी नहीं है कि उनको खाना मिलेगा। गारंटी है पहले सारे मेहमान खाएंगे, पहले बाहर के लोग खाएंगे, है ना, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो घर के लोग खाएंगे, है ना। घर के जो बच्चे होते हैं ना, घर का जो मेहमान आता है और घर में थोड़े समोसे आते हैं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बोले देखते रहते हैं, अरे समोसा बारह ठुक आया, है ना, गेस्ट चार ठुक आए, है ना। अब सारे गेस्ट, पहले गेस्ट तीन तीन तो खा लिए तो बच्चों के लिए कुछ नहीं बचेगा, है ना, तो गुस्सा हो जाते बेचारे। लेकिन अगर गेस्ट चले गए और चार समोसे बच गए तो बच्चों की लॉटरी निकलती है ना, फिर बच्चे खाते हैं दबा के, है कि नहीं। तो इक्विटी शेयर भी समोसे की तरह है, पहले बाहर वाले खाएंगे, है ना, आप उसके ऊपर भी आपका कोई राइट नहीं है, उसके बाद अगर आपका समोसा बच जाएगा तो आप खाएंगे। तो वैसे ही जो हमको पहले बाहर की लाइबिलिटीज है उसको पेमेंट करना है और उसको करने के बाद जब बचेगा तो हमारे घर वालों को मिलेगा, माने इक्विटी शेयर होल्डर लोग को मिलेगा डिविडेंड भी, और अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो कैपिटल का रिपेमेंट भी, ठीक है। इक्विटी शेयर आर इश्यूड प्रायर टू अदर सिक्योरिटीज एंड रिपेड इन द लास्ट। अब देखो इसका उल्टा कहानी क्या है कि सबसे पहले हम इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं, माने सबसे पहले अपना खुद का पैसा जुगाड़ करते हैं, लेकिन पेमेंट के बाद में, पेमेंट के बाद सबसे लास्ट में क्या नाम है, पेमेंट करते हैं ना। अब हमारे घर में पूजा है, ठीक है, तो सबसे पहले पूजा का सारा खर्चा हम करते हैं, है ना, अपने घर से पैसा लगाते हैं, लेकिन प्रसाद सबसे लास्ट में खाते हैं। तो वही हाल इक्विटी शेयर का भी है, सारा इन्वेस्टमेंट हमारा, पैसा क्रिएट किया हमने, लेकिन मजा लेंगे लास्ट में। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार इक्विटी शेयर लेते ही क्यों है, अरे मालिक बनोगे भाई, मालिक बनोगे, ओनर बनोगे। डिविडेंड ऑन सच शेयर इज पेबल ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स ऑफ द एंड द कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड। तो आपको इसमें डिविडेंड कब मिलेगा, जब कंपनी प्रॉफिट को डिक्लेयर करेगी और कंपनी आप लोग का डिक्लेयर करेगी डिविडेंड, ठीक है। तो प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज पेड आफ्टर पेइंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। अब यहाँ पर प्रेफरेंस को प्रेफरेंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर कम्स बिफोर इक्विटी शेयर, ठीक है। तो पहले हम इक्विटी शेयर को पैसा देते हैं, इसी के लिए हम उसको प्रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इक्विटी को देते हैं, तो इसी के लिए उसका नाम प्रेफरेंस शेयर है, बिकॉज इट हैज अ प्रेफरेंस ओवर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड आफ्टर ऑल अदर क्लेम्स आर पेड, ठीक है। जब कंपनी को हम वाइंड अप कर रहे हैं तो पहले सारा पैसा बाहर वाले को चुकाओ, अगर कुछ पैसा बचता है तो आप घर लेकर जाओ, वरना आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। दस इक्विटी शेयर होल्डर बियर द मैक्सिमम रिस्क, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिस्क किसको है, इक्विटी शेयर होल्डर को होता है। जब मैं ये बात बोलूंगा और बहुत सारे बच्चे इसके वीडियो को देखेंगे, ठीक है, तो वो लोग बोलेंगे अरे यार का ही खरीदेंगे इक्विटी शेयर, का है खरीदना, का रिस्क क्यों लेना है। लेकिन अब देखो क्या होता है, दे इंजॉय फुल वोटिंग राइट्स एंड कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। भाई साहब आप मालिक हो कंपनी के, अगर आपने टाटा मोटर्स का एक शेयर खरीद लिया तो आप टाटा मोटर्स के मालिक हो, आपको वोट देने का परमिशन मिलेगा। ये बात और है कि आपका वोट इनसिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि आपका वोट का वेटेज ही कुछ नहीं होगा, एक शेयर में क्या ही फर्क पड़ता है ना, लेकिन फिर भी मालिक तो हो, ठीक है। तो आप बोल सकते हो भाई मैं टाटा कंपनी मेरी है ना, कल को आप टाटा का शेयर खरीद लो, फिर टाटा की गाड़ी खरीदते जाओ, बोला मालिक से बात कर रहा है, टेक्निकली आप बोल सकते हो, बोला कैसे तू मालिक हो क्या, बोला मेरे पास शेयर है टाटा मोटर का तो मैं मालिक हूँ शेयर का, समझ में आ गया। भले ही एक शेयर हो, मालिक तो आप बनोगे, ठीक है, तो आपके पास वोटिंग राइट भी होगा।
ठीक है, अब तुम देखेगा ना, तो मेरे को भी बहुत सारे शेयर्स है मेरे पास, तो मेरे पास भी ना मेल आता रहता है कि आज इस कंपनी का वोटिंग है, आप इसमें वोट दीजिए। मैंने वोट मिलता है हम लोग को करने का, बड़ा फनी लगता है कि मेरे वोट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, है कि नहीं, लेकिन फिर भी वोटिंग राइट्स है। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द रेसिड्यूअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, माने अगर इन केस ऑफ वाइंड अप हो रहा है तो आपके पास जितना शेयर है उसका जो कैपिटल, जितना जब कंपनी को बेच के जो पैसा होगा उसको शेयर में डिवाइड किया जाएगा, और जितना शेयर आपके पास है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब तक तो तुम लोग को इक्विटी शेयर का फीचर समझ में आ गया होगा, है ना? क्या क्या फीचर समझ में आया रिद्धि, बताइए। अगर एग्जाम में आ गया, हियर सम तो फीचर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स, हाँ बताइए। सबसे पहले लिखेंगे कि ये लोग को लास्ट में पेमेंट मिलता है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलता है, और सब फुल वोटिंग राइट्स होता है, और हम ओनर बन जाएंगे तो मैनेजमेंट को भी कंट्रोल कर पाएंगे, बट इसका एक रिस्क बेयर करना पड़ेगा। चलो, तो इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड प्रायर टू प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर। सबसे पहले कंपनी क्या इश्यू करती है, इक्विटी शेयर, उसके बाद इश्यू करती है प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद इश्यू करती है डिबेंचर्स। ठीक है, दीज शेयर्स कैरी नो प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, माने प्रेफरेंशियल माने आपको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई राइट नहीं है। डिविडेंड इज ओनली पेबल आफ्टर इट इज प्रपोज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव बाय द इक्विटी शेयर होल्डर इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। डिविडेंड आपको तभी मिलेगा जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे हाँ कंपनी में इतना पैसा है, इतना प्रॉफिट है कि हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद एक तो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उस मीटिंग में सारे इक्विटी होल्डर शेयर होल्डर वोट करते हैं, और उसके बाद अगर आप लोग ऐसा लगेगा नहीं कंपनी के पास अच्छा पैसा है और हम लोग आप लोगों को रीपे कर सकते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं, तब वो लोग डिविडेंड देते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिपेड इन द लास्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी फेल हो गया, कंपनी में लॉस हो गया, तो पहले हम सब बाहर वालों को पेमेंट करेंगे, पहले बाहर वालों को समोसा खिलाएंगे, उसके बाद अगर समोसा बच गया तो घर के बच्चे खाएंगे, नहीं बचेगा तो नहीं खाएंगे, क्या कर सकते हैं, है ना? होल्डर्स ऑफ, हाँ क्या नाम है, नंदनी का नाम समोसा का नाम सुन के मुंह में पानी आ गया, एकदम मुस्कुरा दी वो, ऐसे भी समोसा नीचे जाके खाना पड़ेगा। होल्डर्स ऑफ द इक्विटी शेयर जनरली एंजॉय वोटिंग राइट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो एंटाइटल टू रेसिडुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो बेस्ट बात हम लोग क्या देखते हैं कि उनको वोटिंग राइट्स होते हैं। ठीक है, नाउ ये पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो इक्विटी शेयर खरीदेंगे नहीं, लेकिन इक्विटी शेयर के बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं हम लोग, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख रहे, हम लोग देख रहे हैं कि एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्यों इक्विटी शेयर इशू करती है। ठीक है, तो सबसे पहला नो बर्डन ऑन अर्निंग्स, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब हुआ इसका नो बर्डन ऑफ अर्निंग्स का मतलब कि ये आपका पैसा है। ठीक है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, आपको किसी को रिपेमेंट नहीं करना, तो आपके ऊपर में कोई टेंशन नहीं है। मान लो अगर मेरी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है और सारा पैसा मैंने इक्विटी शेयर से लिया है, तब मुझे किसी को क्या नाम है कुछ नहीं देना है ना, मैं तभी डिविडेंड दूंगा जब मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो किसी को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं देना है, किसी को इंटरेस्ट नहीं देना है, किसी को रिपेमेंट नहीं करना है, तो लाइफ एकदम बता ना, लाइफ एकदम बम-बम है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर इम्पोज नो बर्डन ऑन द कंपनीज रिसोर्सेस बिकॉज द डिविडेंड ऑफ सच शेयर इज पेबल ओनली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट। डिविडेंड भी हम अपनी मर्जी से देंगे, जब डायरेक्टर बोलेगा तब देगा, कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, जब हमारे पास एडिक्वेट प्रॉफिट होगा तब देंगे। ठीक है, तो कंपनी के पास पेमेंट करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मेरा खुद का पैसा है तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, नंबर टू, खुद का पैसा है तो परमानेंट कैपिटल है ना, तो इक्विटी कैपिटल रिफंडेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। हमको कब लौटाना है पैसा, जब कंपनी को बंद करना है ना। देयरफॉर इक्विटी कैपिटल रिमेन्स विद द कंपनी फॉर एवर, तो जिंदगी भर रहेगा हमारे पास। देयर इज नो लायबिलिटी टू रिपेमेंट इवन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, इक्विटी कैपिटल इज पेड बैक इन द लास्ट एंड इफ टू इफ एनी सरप्लस इज लेफ्ट आफ्टर मीटिंग ऑल अदर लायबिलिटीज। तो वाइंडिंग अप में भी ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि भैया हमने आपकी कंपनी का शेयर खरीदा है तो हमको पैसा वापस करिए, नहीं, पैसा बचेगा तो देंगे, नहीं बचेगा तो नहीं देंगे। तो कंपनी को तो मजे ही आ गए ना, कोई बर्डन नहीं है अर्निंग में, कोई हमको परमानेंट कैपिटल माने क्या नाम है, हमारा कैपिटल हमेशा फिक्स रहेगा, टूटेगा नहीं। नो चार्ज ऑन एसेट, मतलब कोई एसेट हमारा गिरवी नहीं रखा हुआ है, मॉर्टगेज नहीं है, कोई हमारा एसेट उठा के नहीं ले जा सकता, क्योंकि तो उधार का थोड़ी है भाई, अपने घर का पैसा है ना, अपने घर के पैसे से हमने एसेट खरीदे थे तो हम उसको देंगे भी नहीं। तो इक्विटी शेयर डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन मॉर्टगेज ऑन एसेट ऑफ द कंपनी, द कंपनी इज फ्री टू यूज इट्स प्रॉपर्टी फॉर रेजिंग लोन्स। अब मान लो मैंने मेरे पास पैसे आए और मैंने उससे एक बहुत बड़ा एरिया, जमीन खरीद ली, लैंड खरीद ली अपनी कंपनी के लिए, तो वो लैंड तो मेरी है, तो मुझे किसी को देना नहीं है, उसके ऊपर कोई भी मॉर्टगेज नहीं है, उल्टा मेरे को उस लैंड के अगेंस्ट में, उस लैंड के अगेंस्ट में उल्टा मेरे को क्या मिल जाएगा,
उस लैंड के अगेंस्ट में लोन भी मेरे को मिल सकता है ठीक है नहीं। सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, अ कंपनी विद सब्सटेंशियल इक्विटी कैपिटल कमांड्स प्रेस्टीज इन द इन्वेस्टमेंट मार्केट, इट्स एबिलिटी टू बोरो इज हाई ड्यू टू हाई क्रेडिट वर्दीनेस। ऐसा इसका क्या मतलब हुआ बताओ, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ का क्या मतलब हुआ? अच्छा एक मैं तुम लोग से छोटा क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो तुम्हारे तुम्हारे सामने एक कंपनी है जिसके जो मालिक लोग हैं उन्होंने अपना ही पैसा लगा के कंपनी खड़ा किया, माने बूटस्ट्रैप बोलते हैं आजकल तुम लोग के लैंग्वेज में ठीक है, जो चल रहा है बूटस्ट्रैप कंपनी, माने खुद का पैसा लगा हुआ ठीक है। और एक कंपनी है जिसके पहले समझ को ऐसा ऐसा समझते हैं एग्जाम्पल ठीक है। एक कंपनी, दोनों कंपनी के पास 10 लाख का कैपिटल है, एक कंपनी के पास 10 लाख का कैपिटल है, दूसरी कंपनी उसके पास भी 10 लाख का कैपिटल है ठीक है। एक कंपनी बूटस्ट्रैप्ड है ठीक है, मतलब खुद का पैसा लगा हुआ है उनका, सारा का सारा इक्विटी है उनके पास में। एक कंपनी है जिनका समझ कर लो 80% लोन है उनके ऊपर में ठीक है, सारा बाहर का पैसा है ओके, 20% खुद का पैसा है। अब ये कंपनी आपसे थोड़ा सा क्रेडिट मांग रही है ठीक है, ये कंपनी आपसे कुछ परचेसिंग करना चाहती है और बोलती है कि हम आपसे हमको 6 महीने का उधारी चाहिए ठीक है। तो आप कौन सी कंपनी को प्रेफर करोगे, जो बूटस्ट्रैप्ड है उसको या कंपनी ए, क्योंकि उसका खुद का पैसा है और अगर लोन वाले को हम लोग देंगे तो भरोसा नहीं है कि वो मेरे को रिटर्न करेगा या नहीं। करेक्ट। तो इससे उनका क्या नाम है, मार्केट पे गुडविल बनता है कि नहीं बनता है? यस सर। बनता है ना गुडविल, वेरी गुड। तो बूटस्ट्रैप कंपनी, तो इसी के लिए बोल रहा है सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, अगर एक कंपनी है जिसके पास इक्विटी कैपिटल ज्यादा है तो वो कंपनी का क्रेडिट वर्दनेस बहुत ज्यादा है। अगर वो आईसीआईसीआई के पास जाएगा लोन लेने के लिए तो बूटस्ट्रैप कंपनीज को इजिली लोन मिल जाएगा। समझ में आ गया मतलब? स्मॉल नॉमिनल वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर इज जनरली वेरी लो, एज अ रिजल्ट इक्विटी शेयर हैव अ वाइड अपील एंड इवन पर्सन बिलोंगिंग टू लो इनकम ग्रुप कैन बाय देम। A company can mobilize savings of a large section of society due to feature of limited liability, transferability and perpetual succession. तो बोल रहा है कि जो कंपनी का जो शेयर्स होते हैं ना, ज्यादा 10 रुपए के शेयर्स होते हैं और बहुत ज्यादा होगा तो 100 रुपए का शेयर्स होते हैं, वो उसका बेस प्राइस होता है, उसके ऊपर प्रीमियम होता है ठीक है। तो प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द गुडविल। फॉर एग्जाम्पल अगर आज कोई टाटा मोटर्स की कंपनी 872 तुम देखेगा मार्केट में चल रहा है उसका शेयर प्राइस, तो उसका लेकिन बेस वैल्यू जो फेस वैल्यू वो 10 रुपया या 100 रुपया ही होगा ठीक है, उसके बाद उसका प्रीमियम का पैसा है, माने कंपनी हैज डन वेल ठीक है। तो जनरली जो नॉमिनल वैल्यू बहुत छोटे होते हैं, 10 रुपया का अगर सबसे एक कंपनी है, नई कंपनी है, कंपनी लॉन्च किया, 10 रुपया इक्विटी शेयर है, तब तो यार कोई भी खरीद सकता है। अगर किसी के पास 1000 रुपया होगा वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, किसी के पास 1 लाख रुपया होगा वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है ना। तो इससे बहुत सारी वॉक्स ऑफ सोसाइटी, बहुत सारी वॉक ऑफ लाइफ के लोग शेयर खरीद सकते हैं, तो अच्छा बात है, रीच ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छी बात है ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 6, अनलिमिटेड सोर्स, एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी रेज थ्रू इक्विटी शेयर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट एंड कंट्रोलिंग पावर ऑफ द कंपनी। ये तो सही बात है। द लायबिलिटी ऑफ द इक्विटी शेयर इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर सब्सक्राइब्ड बाय देम। इसका क्या मतलब हुआ नंदनी, पॉइंट नंबर 2, द लायबिलिटी ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। हाँ जितना पैसा हम लोग लगाया है उतना ही लाइबिलिटी, मतलब जितना लॉस होगा उतना ही लाइबिलिटी हम लोग, जितना शेयर लगाए अनलिमिटेड नहीं है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक कंपनी का शेयर का दाम 10 रुपया था और मैंने 100 शेयर खरीदे तो मेरा इन्वेस्टमेंट 1000 रुपया का हुआ, अगर कंपनी डूबेगा तो मेरा सिर्फ 1000 रुपया ही डूबेगा, उससे ज्यादा मेरा कोई लाइबिलिटी नहीं बनता। लेकिन जानता है ऑन द हाइंड साइड कभी कभी कोई कोई कंपनी होती है वो बहुत अच्छा बिजनेस कर जाती है, 10 रुपया का कंपनी का शेयर था और 900% तक डिविडेंड देता है ठीक है। तो हीरो होंडा तुम जैसे देख सकती है, हीरो होंडा जो है उसने 900% डिविडेंड दिया, माने 10 रुपया का 900% ठीक है। तो इतना माने 900 टाइम, माने 900% टाइम्स उन्होंने पैसा रिटर्न दिया है ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है ये ठीक है। जैसे सब लोग अगर अगर 100% होगा तो 100 रुपया पे हम लोग 100 रुपया देंगे, 900% मतलब 100 रुपया पे हम 900 रुपया दे रहे हैं किसी को, तो आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा और आपको 900 रुपया रिटर्न मिल रहा है, ये तो बहुत बढ़िया बात है ना। बहुत सारे लोगों ने जब इंडिया में ये कंपनी का कल्चर चालू हुआ स्टार्टिंग के टाइम्स में, उन्होंने जब MRF के जब शेयर खरीदे होंगे या कोई भी अच्छी जैसे है ना ब्लू ब्लू चिप कंपनीज होती है उनका शेयर खरीदा होगा और अगर होल्ड किया होगा तो उनको बहुत ज्यादा पैसा अभी मिलेगा। 10 साल, 15 साल, 20 साल अगर आप शेयर होल्ड करो और वो कंपनी अच्छा काम करती है,
मैं तो बोलता हूँ बहुत बढ़िया बात है, अगर आपको कोई अच्छी कंपनी दिखती है, अच्छे डायरेक्टर है और आप लोग यंग हो, तो उस डायरेक्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करो और उसमें होल्ड करके रखो, ठीक है। तो आप देखोगे 10 साल 20 साल के बाद आपने 100 रुपया लगाया, वो आपको रिटर्न में, जैसे एक एक शेयर का दाम 10 हजार 15 हजार 20 हजार हो जाता है ना। तो आपने 100 शेयर खरीदे 10 रुपया करके, मैंने 1000 रुपया का इन्वेस्ट किया, और 10 रुपये का शेयर का दाम 70 हजार रुपया हो गया। तो सोचो आपका बुढ़ापा तो कट गया ना आराम से, है कि नहीं। तो मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि अच्छा डायरेक्टर्स को देखो, अच्छी कंपनी देखो, उनका ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ो, कंपनी के प्रमोटर्स के आइडियाज पढ़ो, और अगर कंपनी अच्छी है तो उसमें लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहो, ये सबसे राइट तरीका है, ठीक है। बहुत सारे लोग आजकल डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं, उनका अपना फंडा होगा, आई डोंट लाइक दैट, ठीक है। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है और आपको लगता है कि भाई ये कंपनी अच्छा करेगी, तो आप उसमें फ्यूचर का, अपना फ्यूचर देखो, ठीक है। उसके अंदर 10 ईयर्स 20 ईयर्स 40 ईयर्स आप इन्वेस्टेड रहो, तभी आपको फायदा होगा, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर में इंक्रीज मेनी फोल्ड ड्यूरिंग बूम एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंपनी होल्डर्स ऑफ द शेयर अर्न कैपिटल गेन्स, ठीक है। तो अगर आप कंपनी के संग रहोगे और अच्छा टाइम आएगा, बिजनेस का लॉस भी होगा लेकिन अच्छा टाइम आएगा, अगर आप होल्ड करके चलोगे तो आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप थोक बजा के शेयर खरीदो, आप डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ो, प्रमोटर्स के बारे में पढ़ो, कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स पढ़ो, कंपनी का क्या माइंडसेट है, क्यों कंपनी लगाया गया उसको पढ़ो, पूरा डिटेल में स्टडी करो। और आप आजकल जनरली तो बहुत अच्छा है कि हम लोग को तो सब कुछ मिल जाता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द नेट, पूरा पढ़ के आप शेयर खरीदो, तो इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक तो बिजनेस भी हो सकता है आपका, लेकिन मेरा वापस आप लोग को, क्योंकि आप लोग यंग बच्चे हो, मैं आप लोग को यही बोलता हूँ कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसमें आप 10 ईयर्स 20 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रहो। जरूरी नहीं है लाख लाख रुपया लगाओ, आप अगर उसके अंदर 10 हजार रुपया 20 हजार रुपया भी इन्वेस्ट करोगे, 20 ईयर्स में वो पैसा आपको मेनी फोल्ड टाइम्स, जैसे हमने देखा 900% टाइम ग्रो करके आएगा, दैट विल बिकम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। फिर शेयर होल्डर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड्स रिसीव्ड फॉर द कंपनी, ये बहुत ही अच्छी बात है, एकदम इंटरेस्ट फ्री इनकम है, जो आपको डिविडेंड मिलता है उसके ऊपर में कोई टैक्स नहीं होता है, क्योंकि तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो नई नई कंपनीज आएंगी, नई नई कंपनीज आएगी तो देश की तरक्की होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, अंडरस्टूड। तो कैसा लगा आपको, किस किस को खरीदना है शेयर होल्डर, किसको शेयर खरीदना है? मेरे ख्याल से अगर मेरा ये वीडियो स्टॉक एक्सचेंज वाले देखेंगे, सेबी वाले देखेंगे, तो वो लोग मेरे इस वीडियो को प्रमोट करेंगे, देखो अच्छा आदमी है, शेयर कंपनी को प्रमोट कर रहा है, करना भी चाहिए, है कि नहीं। चलो लेकिन शेयर होल्डर का कुछ डिसएडवांटेज भी है फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ठीक है। सबसे पहले मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं जो हमारे द्वादश टाइप के होते हैं, ठीक है, उनका हमेशा मन होता है कि हम किसी भी कंपनी को कंट्रोल कर ले, है ना, हम लोग कंपनी को टेक ओवर कर ले, अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर द्वादश किसी कंपनी का 51% शेयर ले लेगा तो वो पूरी कंपनी को कंट्रोल कर देगा, ठीक है। और उसका तो जिंदगी का मकसद यही है कि मैं टाटा मोटर्स भी कंट्रोल कर लूं, मैं एमआरएफ भी कंट्रोल कर लूं, पूरा इंडिया को ना कर ले, अच्छी बात है भाई, ऐसा भी होना चाहिए। तो अगर आपके पास किसी कंपनी का मेजोरिटी ऑफ शेयर हो जाएगा तो आप उस कंपनी को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रिद्धि और क्या नाम है नंदिनी ने मिलकर एक कंपनी लॉन्च की, ठीक है, और बहुत मेहनत की उन्होंने, कंपनी के बीच में कुछ बुद्धि लगाई, कंपनी बहुत तरक्की कर रही थी, फिर द्वादश आ गया और द्वादश ने उसकी कंपनी का शेयर ले लिया 51%, और उसने रिद्धि को और नंदिनी को निकाल के बाहर कर दिया। दिस इज पॉसिबल, ऐसा हुआ भी है ना, हमारे बहुत सारे टाटा, तो तुम सुनी होगी मेरे ख्याल से, जो हमारे कंप्यूटर लाइन में है, बिल गेट्स था या कोई था, मैं जस्ट फॉरगॉट द नेम, उसके संग भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है, उसका टेक ओवर कर लिया कंपनी को। तो जो कॉमर्स वाले होते हैं ना, बड़े स्मार्ट होते हैं, ठीक है, आईटी वाले बेचारे कंपनी बनाते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाते हैं आईटी वाले, ठीक है, वो लोग नया नेट करते हैं, और कॉमर्स वाले बच्चे उनकी कंपनी को मैनिपुलेट करके टेक ओवर कर लेते हैं, है कि नहीं। तो कॉमर्स बच्चे वाले बड़े सियाने हैं, सारा मेहनत बेचारे वो आईटी वाले करते हैं, साइंस वाले करते हैं, कॉमर्स वाले टेक ओवर करते हैं। तो ये एक तो प्रॉब्लम हो सकता है इक्विटी शेयर के संग, ठीक है, कि जिनके पास ज्यादा शेयर होंगे वो कंपनी को क्या नाम है कंट्रोल करेंगे, तो सारा वोटिंग राइट्स वो ले लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे, दिस गिव्स अनडिजायरेबल प्रैक्टिस बाय पर्सन टू सी गेन कंट्रोल ओवर द कंपनी, ओवर ऑफन देयर इज कंसर्निंग ऑफ बोर्ड्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल बाय क्लिक्स ऑफ शेयर होल्डर टू देयर ओन एडवांटेज। अच्छा तुम लोग को नहीं लगता अदानी और अंबानी में भी कॉम्पिटिशन चलता होगा ये सारा? अंबानी भी सोचता होगा अदानी की कोई कंपनी का शेयर पकड़ लो यार, तो उसकी कंपनी मेरे कंट्रोल में आ जाए, मैं डायरेक्टर बन जाए, है कि नहीं, ये तो होता ही है। पॉइंट नंबर टू इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, कैपिटल रेज थ्रू इक्विटी शेयर इज नॉट रिफंडेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, मिस्टेक इन एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स और ओवर एंथुसियाज्म में लीड टू ओवर कैपिटलाइजिंग, रिजल्टिंग इन लोअर रेट ऑफ अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिकम इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब अगर हमको चाहिए, मान लो मेरा काम 10 करोड़ रुपया में हो जाता है, ठीक है,
लेकिन अगर मैं 100 करोड़ रुपया उठा लूं तो अच्छी बात है, ज्यादा पैसे होंगे तो क्या होगा, ज्यादा शेयर होल्डर्स होंगे, ज्यादा शेयर होल्डर होंगे तो ज्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा, ज्यादा डिविडेंड देंगे तो हमारा रेट ऑफ डिविडेंड पर शेयर कम हो जाएगा, लोगों को मजा नहीं आएगा, है कि नहीं? तो इससे क्या होता है, हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर खराब हो सकता है, इनफ्लेक्सिबल हो सकता है, हमको उतना ही लेना चाहिए जितना में हम काम कर सके ना, ज्यादा पैसा उठाने से दूसरी कंपनी भी नहीं बनेगी, है कि नहीं? तो ओवर कैपिटलाइजेशन का खतरा होता है, लोग थोड़े से क्या नाम है, थोड़े से बह जाते हैं इमोशन में, और कभी कभार तुमको ये भी मालूम है ज्यादा पैसा वेस्टेज भी क्रिएट करता है ना, तो उससे लॉस भी होता है बहुत ज्यादा। ओके ठीक है, नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, व्हेन द एंटायर शेयर कैपिटल इज रेज्ड थ्रू इक्विटी शेयर द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट अवेलेबल। अब तुम जानते हैं बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में तो बहुत होशियार लोग हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शेयर को ट्रेड करते हैं ना, कि आज दाम इतना है कल दाम इतना होगा तो शेयर बेच दो प्रॉफिट पर शेयर, वो डिविडेंड पे नहीं खेलते, वो एक शेयर के दामों पर खेलते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल शेयर का दाम तुम जानते हैं ना, कोई कंपनी अच्छा करेगा तो उसका रेट बढ़ता है, ठीक है, तो इसके ऊपर मैनिपुलेशन हो जाते हैं, है ना, इसके ऊपर क्या नाम है, लोग इसी के ऊपर में क्या नाम है पूरा स्पेकुलेशन कर लेते हैं कि आज 10 रुपया का शेयर है कल 12 रुपया होगा, तो 10 रुपया का शेयर को अगर मैं 12 में बेचूंगा तो पर शेयर मुझे 1 रुपया मिलेगा, तो वो 1 लाख शेयर खरीद लेते हैं कंपनी के इस सोच पे कि कल 12 रुपया हो जाएगा तो पर शेयर 2 रुपया मिलेगा, तो 1 लाख × 2 मैं घर बैठे बैठे क्या नाम है रुपया कमा लूंगा, है कि नहीं? तो इस तरह का स्पेकुलेशन बहुत होता है, लेकिन क्या नाम है अगर पूरा का पूरा पैसा आप इक्विटी से लेंगे तो स्पेकुलेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। कॉस्टली, द कॉस्ट ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ इशूइंग अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। अच्छा अभी हम लोग यहीं तक करेंगे क्योंकि ये मीटिंग ओवर हो जाएगा, कंटिन्यू रहेगा, तो इस पार्ट तक अगर हम लोग इस पार्ट को भी अपलोड भी करेंगे तो अगर सब बहुत सारे बच्चे अगर इसको देखना चाहते हैं तो देखें, और अगर मजा आए तो बोलो, हम लोग क्या नाम है इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।